ट्रक हाउस। कार्तिक नाम के एक व्यक्ति के पास एक लॉरी हुआ करता था। हर दिन वो अपने गांव के पास पेड़ इत्यादि काटकर अपने लॉरी में डालकर शहर में बेचता था। एक दिन चौपाल के पास सरपंच गांव के लोगों से, देखिए सरकार ने हमारे गांव पर ध्यान देते हुए हमारे गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में बदला है। उसे हमारे गांव में कई लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से हम गांव के पेड़ पौधे फूलों को तोड़ नहीं सकते, जहां मर्जी वहां घर नहीं बना सकते। तब कार्तिक वो सब सुनकर, श्रीमान हमारा गांव तरक्की करेगा ये सोचकर तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मेरे जैसे लोगों की क्या परिस्थिति होगी। जब 100 लोगों का भला हो रहा है तो 2-3 लोगों का नुकसान तो होगा ही। समझो, तुम्हें किसी चीज की भी मदद चाहिए तो मैं करूँगा। कार्तिक नहीं समझ पाया कि वो क्या बात करे और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह कई सारे टूरिस्ट वहाँ आए। सब गांव को देखकर वहाँ के पेड़ पौधे फूलों को देखते हुए आनंद उठा रहे थे। घर में रहने वाला कार्तिक, हे भगवान ये कैसी परिस्थिति है, अब मैं इस लॉरी से क्या करूंगा। अगर बेचने की सोचूं तो पता भी नहीं कि कभी नया खरीद पाऊंगा भी या नहीं। बेचकर मिलने वाले पैसों से कोई व्यापार करने की सोचे तो भी क्या करूं वो भी नहीं पता। यूं प्रार्थना करने लगा कार्तिक। इस तरह गांव की गलियों में जब घूम रहा था तो एक पेड़ के नीचे कुछ यात्री, अरे वाह ये गांव तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां बहुत घूमना पड़ता है, इतना चला नहीं जाता। जहां भी जाने का सोचो तो सब इतना दूर है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और टॉयलेट्स भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है। यूं बात करने लगे। वो बातें सुनकर कार्तिक को एक उपाय सूझा। तुरंत अपने लॉरी के पीछे बहुत मेहनत से एक घर बनाया। अगले दिन उस ट्रक हाउस को जब गांव में घुमा रहा था तो सब उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। चौपाल के पास रोककर, आइए भाई आइए, ये है इस गांव का स्पेशल ट्रक हाउस, यही इस गांव की स्पेशलिटी है, द ट्रक हाउस। आपको जहां भी जाना है आप खुशी से इस ट्रक हाउस में बैठकर जा सकते हैं। जहां पर भी घूमना हो बहुत चलने की मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। महिलाओं के लिए सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स, सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है। पूरी फैमिली खुशी से एंजॉय करते हुए घूम सकते हैं। वो बातें सुनकर कई यात्री को ये आइडिया अच्छा लगा और सारे यात्री लाइन में खड़े हो गए। कुछ ही समय में वो ट्रक हाउस बहुत मशहूर हो गया। कार्तिक और 10 लॉरी खरीदकर वैसे ही 10 ट्रक हाउस बना लिया। उस गांव में आने वाले लोग उसके ट्रक हाउस का ही इस्तेमाल करने लगे। इस तरह उसकी होशियारी से, सद्बुद्धि से और समय का फायदा उठाते हुए कार्तिक ने अपना जीवन ही बदल दिया। देशमुख राव नाम का एक आदमी था। बचपन से उसको अलग और स्पेशल चीज करने का बहुत मन था। एक दिन देशमुख राव गांव के बीच में अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। यार बहुत दिन हो गए, घर पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, कहीं टूर पे चले क्या? हाँ यार, लेकिन कहाँ चले? अरे गोवा चले क्या मस्ती करने? अरे यार तुम भी ना हर वक्त सिर्फ आसपास वाले जगह ही जाना चाहते हो क्या? अरे रॉकेट वॉकेट में बैठ के चंद्रमा या मार्स जाकर वहाँ सेल्फी लेकर आएंगे, ऐसे क्यों नहीं सोचते तुम लोग? हाँ भाई तू जाके सेल्फी लेकर आ जा, हम लोग तो गोवा चलेंगे। कूल ठीक है मैं भी गोवा ही चलूंगा। ठीक है तो कब और कैसे जाना है? कार में चलेंगे और क्या? अब भी क्या कार यार, कल हम सभी एक ही बाइक में चलेंगे देखना। कहकर अगले दिन एक लंबी सी बाइक लेकर आता है। ये कौन सी गाड़ी है, इतनी लंबी है, माइलेज कितना देता है? ऐसे आविष्कार को हमें गर्व से देखना चाहिए। ये माइलेज कितना देता है, इसमें स्क्रू है क्या, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे क्या, ये सब पूछना नहीं चाहिए। कमॉन लेट्स मूव, कहकर सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। वैसे सभी पेट्रोल बंक जाकर टैंक फुल करवा कर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाती है। तीनों को समझ नहीं आता कि गाड़ी क्यों रुक गई। जब देशमुख राव के दोस्त ने पेट्रोल टैंक खोलकर देखा तो पता चला पेट्रोल खत्म हो चुका था। अरे ये क्या यार, अभी तो पूरा 10 लीटर भरवाया था, इतने में कैसे खत्म हो गया? वैसे ये माइलेज कितना देता है, कहकर चिल्लाता है। लीटर का 1 किलोमीटर देता है ये। हे भगवान ऐसा आविष्कार मैंने कभी नहीं देखा है, गोवा होवा कहीं नहीं जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक दिन देशमुख राव एक डबल डेकर ऑटो तैयार करता है। 2 ऑटो ड्राइवर को बुलाकर, देखिए मैंने इस ऑटो को आपके लिए ही बनाया है, वैसे तो सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं, अब तो 7 बैठ सकते हैं, कैसा है मेरा आइडिया?
अच्छा है, लेकिन हमारे ऑटो ज्यादातर बूढ़े लोग, महिलाएं या फिर जल्दी में जाने वाले बैठते हैं। अब ये बूढ़े या महिलाएं ऊपर कैसे चढ़ेंगे? इसीलिए तो साइड में सीढ़ी लगाया मैंने। लेकिन ये बूढ़े और महिलाएं सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे ना साहब। ठीक है तब लिफ्ट लगवा देंगे। ऑटो ड्राइवर चौंक जाता है। क्या साहब लिफ्ट लगवाओगे? नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए, आप और आपके आइडियाज। नमस्ते साहब, कहकर वहाँ से निकल जाता है। इन निकम्मों को मेरे आविष्कार का महत्व समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ नया आविष्कार करूँगा और मेरी क्षमता दिखाऊंगा, कहकर सोचते हुए। अरे ये डबल डेकर बस देखा है? लेकिन चार मंजिला का बस कभी देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा होगा, कहकर एक जायंट टॉल बस बनाता है। अगले दिन उस बस को चलाते हुए, गांव वालों देखा मेरा आविष्कार? दुनिया में कभी देखा है या सुना है ऐसे बस के बारे में? आइए आइए, कहकर चिल्लाता है। लेकिन वो बस गलियों में गुजरते वक्त वहाँ के बिजली के तार और खम्भों से लगकर उन्हें तोड़ने लगता है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है। इस हादसे से गांव वाले देशमुख राव को घेर लेते हैं और उसे खूब पीटते हैं। रुपेश नाम का एक बंदा था जिसका एक बहुत बड़ा लॉरी था। एक बार फैक्ट्री में मैनेजर, अरे रुपेश 3 टन का लोड डिलीवर करना है, कल सुबह स्टार्ट हो जाओ। 3 टन नहीं हो पाएगा साहब, कंपनी रूल्स के हिसाब से सिर्फ 2 टन ले जाऊंगा। अरे ये सब मुझे पता है, तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा रुपेश। सॉरी सर, मैं कंपनी रूल्स के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, कहकर वहां से निकल जाता है। रुपेश का एक बेटा था जिसका नाम था बलिदेव। एक बार रुपेश बलिदेव से, अरे बलिदेव तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है ना, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? जो भी नौकरी करूंगा उतने ही पैसे मिलने पापा, आपकी कंपनी में कोई नौकरी है तो बता दीजिए। ऐसा करो तुम पहले अपना लाइसेंस बनवाओ, तुम्हारे जॉब के लिए मैं बात करूंगा। बलिदेव अगले दिन आरटीओ ऑफिस जाता है। वहां भीड़ देखकर, छह इतने लोगों के बीच लाइन में खड़े होके लाइसेंस हासिल करना मेरे बस की बात नहीं, कहकर वहां से निकल जाता है और एक नकली लाइसेंस बनाता है। एक बार रुपेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है, सर तबीयत बहुत खराब है, लीव चाहिए, कल का लोड ले जाने के लिए मेरा बेटा आ जाएगा। ठीक है फॉर्मेलिटीज पता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैसे तुम्हारी ही लॉरी है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, भेज दो, कहकर परमिशन दे देता है। घर पे पापा बलिदेव से, अरे बेटा थोड़े दिन तुम मेरे जगह लॉरी चला लो, कल मेरे मैनेजर से मिलो, तुम्हें काम दे देगा, अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो तुम्हें नौकरी भी दे देगा, लेकिन होशियार रहना, लॉरी में 2 टन से ज्यादा कभी मत लोड भरवाना, ऐसे कहता है। अगले दिन बलिदेव फैक्ट्री पहुंचता है। आओ भाई आओ, तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, चलो ध्यान से ये लोड भर लो लॉरी में। वैसे बलिदेव लॉरी में लोड भर के यार्ड तक पहुंचता है। यार्ड पहुंचने के बाद लोड को उतार देता है। वहां यार्ड में मैनेजर, ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर उसे पैसे दे देता है। बलिदेव तब, ये क्या इतने कम पैसे दे रहे हो? हाँ तुम सिर्फ 2 टन लेकर आए हो तो इतना ही मिलेगा, तुम ज्यादा लेके आओ तो ज्यादा मिलेंगे, समझे? तुम्हारे पापा बुजुर्ग आदमी थे इसीलिए 2 टन ही लेकर आते थे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, जवान ही हो ना, कहकर वहां से निकल जाता है। बलिदेव तब, पापा ऐसे ही हैं, एक बार में हो जाने वाले काम के लिए रूल्स ओवर एक्शंस करते रहते हैं, 2 टन नहीं तो 4 टन दलवा दूंगा, तब डबल पेमेंट मिलेगा ना, कहकर सोचता है। अगले दिन फैक्ट्री में मैनेजर से बलिदेव, सर लॉरी में मैक्सिमम जितना लोड भर सकते हो भर दो, मैं ले जाऊंगा। मैं डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा को पसंद होगा क्या? एक काम करो, तुम्हारे पापा से एक बात पूछ लो। वो सब मैं देख लूंगा साहब, आप पहले लोड तो भरवाइए। तब मैनेजर एक बड़े लोड को लॉरी में भरवा देता है। बलिदेव लॉरी स्टार्ट करता है और बहुत एक्सेलरेशन करने पे धीरे से लॉरी आगे बढ़ती है। वैसे बलिदेव के थोड़े दूर पहुंचते ही वो लॉरी वजन खींच नहीं पाता है और थप करके एक झटके में लॉरी टूट जाता है।
बलिदेव चिंता करते हुए, ओहो, ये क्या हो गया? कितना बुरा हो गया? हमारा एक ही सहारा था ये लॉरी, अब मैं क्या करूंगा? मैं पापा को क्या बोलूंगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? कहकर उदास होते हुए अपने पापा को सब कुछ समझाता है। ठीक है बेटा, हो गया सो हो गया, कहकर उस लॉरी को रात भर बैठकर रिपेयर करता है। बेटा, अब ये लॉरी एक ही टन उठा पाएगा, इसीलिए तुम अब इसमें एक ही टन भरवाना। मैंने भी तुम्हारी तरह 5 टन भरवा के लॉरी को तोड़ दिया था, तब से 2 ही टन भरवा पा रहा हूँ हर बार, इसीलिए 2 टन ही भरवाओ कहकर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कहकर बोलता है।